दोस्तों कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका फिर से एक न्यू वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डिप्लोमा और बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहां पर आपकी अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसी है। सिविल इंजीनियर्स एलिजिबल रहेंगे, सैलरी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम के आधार पर रहने वाला है। और क्या बताया गया है इनके ऑफिशियल नोटिस में, उसमें आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम हैं इनके ऑफिशियल नोटिस पर। नोटिस आपका नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 7 नवंबर को जारी किया गया है और ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोजीशंस के लिए वैकेंसी रहने वाली है। जैसे सबसे पहली पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है सीनियर कंसल्टेंट के लिए, 5 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। सैलरी आप यहां पर देख सकते हैं, सैलरी आपकी यहां पर 1,50,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। नेक्स्ट वैकेंसी यहां पर आपकी रहने वाली है कंसल्टेंट के लिए, सैलरी आपकी यहां पर 1,00,000 रुपये प्रति मंथ रहेगी। अगली पोस्ट यहां पर आपकी रहने वाली है टेक्निकल कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, 5 पोस्टों के लिए वैकेंसी है और सैलरी यहाँ पर आपकी 40,000 रुपये प्रति मंथ रहने वाली है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहां पर आपके शुरू हो चुके हैं 8 नवंबर से और लास्ट डेट यहां पर आपकी 22 नवंबर रहने वाली है। 22 नवंबर को रात के 12 बजे से पहले पहले आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी। और एनेक्सल 2 में यहाँ पर आपको बताया है आपकी वर्क लोकेशन के बारे में। तो वर्क लोकेशन यहाँ पर आपकी लखनऊ, गोरखपुर, आगरा, बरेली और वाराणसी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पोस्ट जो यहाँ पर आपकी रहने वाली है आपकी टेक्निकल कोऑर्डिनेटर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपसे बीबीटेक मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। डिजायरेबल में करके आपको बताया है एक्सपीरियंस इन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस ऑफ IT फॉर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। और दूसरे पॉइंट में यहाँ पर आपको बताया है एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रिफेरेबल इन पब्लिक प्रोजेक्ट और टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट। यानी यहाँ पर आपको बताया गया है अगर आपने बीबीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से और आप फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से और आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट या फिर पब्लिक प्रोजेक्ट का तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपकी एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर आपकी 45 ईयर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी सीनियर कंसल्टेंट और कंसल्टेंट की पोजीशन है यहाँ पर आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा और बाकी जो आपकी ये डिप्लोमा और बीबीटेक के लिए पोस्टें रहने वाली हैं इसके लिए आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रखे गए हैं, जैसे जनरल के लिए 33, OBC के लिए 30 और SC ST PWD के लिए यहाँ पर 24% मार्क होने अनिवार्य हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी अपर एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आपको SC ST में 5 साल का और OBC में 3 साल की छूट मिलने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं नील है, यानी आपकी कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगने वाली है। तो जिन भी दोस्तों ने हमारे BBTEC या फिर डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिविल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा जॉब्स अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।